बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ Amazon होम डेर हॉल बहुत इधर अफोर्डेबल प्राइस में होने वाला आई थिंक अंडर फाइव हंड्रेड रुपीज सारे होने वाले हैं एक दो पीसेस होंगे जो थोड़ा सा बट नहीं 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 सारे के सारे अंडर फाइव हंड्रेड रुपीज़ होम डेकोर आइटम्स एंड जो भी आप इधर मेरे आजू बाजू देख रहे हो पीछे ना डेकोर आइटम्स वो सारे के सारे मैंने Amazon से ही चेज किए हैं तो वन बाई वन मैं सारे के सारे शेयर कर करने वाली हूं आप लोगों के साथ एंड आई होप कि बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो होम डेकोर में आजकल यू नो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते जैसे आपका रेंटेड अपार्टमेंट है आप बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो साथ ही साथ आप अपने एक स्पेस को अच्छे से डेकोरेट भी करना चाहते हो या फिर आप कंटेंट क्रिएटर हो लाइक मी तो मुझे ऐसे बैकग्राउंड इस तरीके से डेकोरेट करना पड़ता है डे बाई डे मतलब चेंज करना पड़ता है तो मैं चाहती हूँ कि कुछ पीसेज मैं ऐसे परचेज करूँ जिसको मैं चेंज कर कर करके अपने बैकग्राउंड को बैकड्रॉप को अच्छे से यू uh, नो you know, डेकोरेट भी कर सकूं साथ ही साथ मुझे ज़्यादा पैसे ना पे करने पड़े तो अमेजॉन या फिर मीशो से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं हो सकता आज मैं अमेजॉन डेकोरेटिव हॉल शेयर कर रही हूँ अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं मीशो का हॉल भी लेके आऊँगी डेफिनेटली एंड बाय द वे अगर मैं बहुत सारे लोग पूछोगे कि ये सूट कहाँ से है तो ये सूट मैंने लिया है अगेन फ्रॉम एमेजॉन बहुत ही जल्दी पाकिस्तानी सूट्स हॉल आने वाला है सो स्टे ट्यून फॉर दैट अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि मैं बहुत ही प्यारे प्यारे हॉल्स लेके आती हूँ आप लोग का जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसको आसान बनाने के लिए सो स्टे टून फॉर दैट फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज अगेन आई एम सेंग और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज की सो so गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी प्रोडक्ट्स मैं अभी शो करने वाली हूँ जिसका भी हॉल होने वाला है सारे के सारे जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो आप लोग चेकआउट करना ना भूलें उसका सब कुछ डिटेल चीजें ना आपको सब लिंक मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सो so चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सो गाइज आई एम स्टार्टिंग विद दिस वेस जो कि बहुत ही ज्यादा छोटू और क्यूटू सा है लुक एट दिस ब्लैक कलर में है एंड uh, अगर मैं सच बताऊं तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा छोटा आया था मुझे छोटा आएगा लाइक साइज़ वगैरह मेंशन किया था बट ऐसे एक्जैक्टली exactly आप ऑर्डर करते टाइम नहीं सोच सकते कि इतना छोटा सा आ जाएगा मैंने इसको एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा बट इट इज़ लुकिंग सो क्यूट और इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये है प्योर सोर्स इंडिया आर्टिफिशियल फ्लावर सेरेमिक वेस ब्लैक इन कलर कलर में है वन नाइन्टी नाइन रुपीज़ का मिल जाएगा इसमें कई सारे कलर कलर्स अवेलेबल हैं इन केस अगर आप जैसे कोई ट्रे बनाते हो डेकोरेटिव ट्रे आपके सेंटर टेबल में रखने के लिए या फिर डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए कॉफ़ी टेबल पे रखने के लिए तो उसके लिए बेस्ट है इसमें कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे ब्लैक ब्लू रेड इवन येलो बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे बहुत ही छोटा सा ये पीस है और बहुत ही स्टर्डी है इसका जो पेंट वगैरह है बहुत ही अच्छा है लाइक सेरमिक जो पीस है ना छोटा सा बट इसकी क्वालिटी टॉप नॉच है बहुत ही क्यूट है इसके साथ ना ये स्टिक्स मुझे मिले ही थे साथ में आई डोंट नो मैंने इसको ऑर्डर नहीं किया था ये मुझे इसी तरीके से ही रिसीव हुए थे ये वाले स्टिक्स इस वाले वेस के साथ ही साथ आई डोंट नो कि इसके साथ क्यों आया था क्योंकि मैंने कई सारे वेस ऑर्डर किए थे तो उन्हीं के साथ ये स्टिक्स मुझे फ्री में ही मिल गए थे तो बाय द वे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा नहीं था कि ये आएंगे कि नहीं आएंगे बट ये मुझे रिसीव हुआ है आई डोंट नो कि ये इस वाले के साथ रिसीव हुआ है या वाइट कलर का भी मैंने इसी में का ही ऑर्डर किया था एंड मुझे ऐसा लगता है कि वन नाइनटी के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा छोटू है इनकेस अगर आप लोकल मार्केट में जाते हैं तो आप इस इससे बड़ा भी परचेज़ कर सकते हैं बट अगेन आई एम सेइंग कि अगर आप लोग किसी सेंटर टेबल या कॉफ़ी टेबल इन सबको सजाना चाहते हो एक जैसे आजकल ट्रे में ना डेकोरेटिव पीसेज छोटे छोटे रख के उसको डेकोरेट करते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है आप इसको ज़रूर ले सकते हो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया बट एज आई सेड अर्लियर कि मुझे एक्सपेक्टेड था कि इसका साइज थोड़ा बड़ा है सो so गाइज अगर नेक्स्ट वेस की अगर हम लोग बात करें तो ये है अगेन ये छोटू सा वेस जो कि अगेन प्योर सोर्स इंडिया पोस्टलिन फ्लावर वेस विदाउट फ्लावर वास है इसका जो साइज लिखा हुआ था वो 6.5 सेंटीमीटर विद इसकी 6. फाइव सेंटीमीटर हाइट इसकी नाइन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है एंड ये ऑफ वाइट कलर में है देखने में तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है इसके अंदर आप ऐसे आ, कुछ भी डाल सकते हो लाइक फ्लावर स्टिक्स डाल सकते हो इस तरीके के प्लांट्स के आ, ये जो लीव्स आते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हो इसकी बात हम बाद में करेंगे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस वाले वेस्ट की तो इसकी क्वालिटी भी अगेन मुझे बहुत ही मतलब प्यारी लगी इसका जो प्राइस है वो वन एटी नाइन रुपीज़ में है पिछला वाला जो था वो वन नाइन्टी नाइन रुपीज़ का था ये वन एटी नाइन रुपीज़ का है बट ये वाला उससे ज़्यादा बड़ा है मे बी कलर की वजह से ये आ, सस्ता होगा शायद बट ये भी कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है अगेन इट इज़ वेरी क्यूट बहुत ही यू नो अट्रैक्टिव लगता है तो छोटे छोटे पीसेस ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं एंड सैरमिक का है तो ये मतलब थोड़ा सा टूटने का डर लगता है तो आप इसको अगेन uh, ऐसी जगह पे आप डेकोरेट करो जहाँ पे ये सेफ रहे मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा अगेन इसका एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा बड़ा होगा वो मेरी खुद की गलती है क्योंकि मुझे साइज़ जो है वो मैंशन है ऑलरेडी वेबसाइट पर तो मुझे उस तरीके से आइडिया लगा लेना था बट अभी मुझे आइडिया हो गया कि हाँ फाइव सेंटीमीटर या नाइन सेंटीमीटर कितना होता है। तो चाहते हो तो डेफिनेटली जा सकते हो इसकी फिनिशिंग वगैरह बहुत ही ज्यादा अच्छी है बहुत, बहुत, बहुत बहुत so, आप इसको परचेज कर सकते हो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप लोग चेकआउट कर लेना अभी हम लोग बात करते हैं ये These are artificial uh, palm. Uh के लीव्स हैं जो पाम प्लांट्स होते हैं ना उसके लीव्स हैं तो आपको ये थ्री का सेट मिल जाएगा एक साथ आएंगे इस तरीके से जस्ट लाइक दिस वन टू थ्री थ्री लीव्स मिल जाएंगी आपको बिग हैं काफ़ी बड़ी बड़ी सी हैं वन सेवेंटी नाइन रुपीज का मिलेगा ये एंड इसको ना आप ऐसे सिंगल सिंगल भी रख रख सकते हो ऐसे आजकल जो डोनट्स वाले वेस आते हैं ना उसमें ऐसे आप सिंगल डाल के भी रख सकते हो बहुत ही अच्छा लगेगा लाइक आप डिफरेंट तरीके से इसको स्टोर कर सकते हो मुझे तो इनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगी आप चाहो तो इसको ना कई सारे एक ये तो थ्री का सेट है आपको वन में मिलेगा आप अगर इसका सिक्स का सेट लेना चाहते हो तो आपको टू फिफ्टी रुपीज में सिक्स ये लीप्स का सेट मिल जाएगा तो आप इसको इस तरीके से रबर बैंड में मतलब एडजस्ट करके आप किसी पॉट में इसको रख सकते हो ये आपको आराम से एक फ्लावर आ, प्लांट का लुक दे देगा बहुत ही अच्छा लगेगा मैं नेक्स्ट ना मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ क्योंकि मुझे मतलब मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया था ऑर्डर करते टाइम तो मैंने थ्री का सेट ऑर्डर कर दिया था अभी मैं नेक्स्ट ना इसका सिक्स का सेट लूंगी और उसको एक पूरा पॉट में जैसे होता नहीं है प्लान्ट आर्टिफिशियल प्लांट वाला पॉट जो है वो मैं बनाऊंगी तो बहुत ही मुझे मतलब मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया लग रहा है कि बहुत अच्छा एक प्लांट निकल के आएगा जैसे जैसे मैं कोई फैशन हॉल वीडियो ये सब बनाती हूँ ना तो मुझे बैकग्राउंड में इस तरीके का एस्थेटिक सा कुछ चाहिए होता है जिसके लिए ना मुझे ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन लग रहा है क्योंकि अभी आप ना एक फेक फ्लावर फेक प्लांट्स लेने जाओ बहुत महंगे लाइक फाइव थाउजेंड सिक्स थाउजेंड की अच्छी क्वालिटी के बड़े मिलते हैं बट इससे आप अच्छा सा एक डेकोरेटिव पीस बना सकते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब सिक्स वाला सिक्स uh, के सेट खरीदूंगी तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बट इन केस अगर आप इसको भी लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली परचेज कर तो 6 का सेट मिल जाएगा आपको 12th का सेट मिल जाएगा लाइक like 300 और 400 में आपको 12 का सेट भी मिल जाएगा और इसकी क्वालिटी मैं आपको बता सकती हूँ कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की का है दूर से देखने में आपको ना एकदम से रियल uh, प्लांट ही लगेगा इसको तो मैं मैंने ना इस वाले स्टिक्स में डाल के ऐसे uh, आपको बस इसको ना एक बेस देना पड़ेगा इसको रखने के लिए मतलब इसको लगाने के लिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऐसे इस तरीके के स्टिक्स में आते हैं जो कि मेटल के स्टिक्स हैं जो आराम से ऐसे स्टैंड uh, हो सकते हैं इसको आप मोड़ भी सकते हो लाइक like इस तरीके से कर सकते हो तो आप इसको डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हो आप चाहो तो वॉल पे ऐसे सिंगल सिंगल लिप्स भी ऐसे लगा सकते हो डेकोरेटिव पीस की तरीके से कई तरीके से आप इसको अपने होम डेकोर स्पेस पे इसको स्टाइल कर सकते हो मुझे तो इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी वन सेवेंटी में थ्री लिप्स मिलते हैं टू फिफ्टी में आपको सिक्स के सेट मिल जाएंगे डेफिनेटली डेफिनेटली आप इसको परचेज़ कर सकते हो मुझे तो बहुत ही प्यारे लगे अभी मैं नेक्स्ट बात करती हूँ ये फ्लावर स्टिक्स की आई डोंट नो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था जो मैंने इसको ऑर्डर किया था मे बी मैंने ना जो ये ब्लैक वाला ये जो पॉट है जब ब्लैक uh, वाला वेस ये ऑर्डर किया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसके साथ ना इसको ऐसे लगा दूंगी कि, तो ये सुंदर लगेगा वैसे देखने में सुंदर भी लग रहा है आप इस तरीके से डेकोरेटिव पीसेस ना रख सकते हो बट जब ये मेरे पास ऐसे जस्ट सामने आया ना तो मुझे उतना अट्रैक्टिव नहीं लगा इसका प्राइस भी लेट मी चेक ओके तो ये टू नाइन्टी नाइन नाएं रुपीज़ का मिलेगा टू नाइन्टी नाइन नाएं रुपीज़ का आपको ये पूरा बंच मिल जाएगा इसमें लिखा हुआ है ट्वेंटी पीसेस तो मुझे मतलब उतना ज़्यादा वर्थ बाइंग नहीं लगा बट आपको अगर एक क्यूट एस्थेटिक बनाना है तो आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हो इस तरीके से आप किसी भी छोटे से वेस में रख लो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने वाला है आप चाहो तो ये ब्लैक वाले के साथ रख सकते हो आप चाहो तो ये व्हाइट वाले के साथ रख रख सकते हो सो इन केस अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हो बट मेरे ये काम का नहीं लगा लाइक मुझे बैकग्राउंड में इतना तो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है लाइक जो भी और अदर मैं डेकोरेटिव पीसेस रख रही हूँ ना तो उसमें छुप जा रहा है बट इसको ना आप कॉफी टेबल पे ऐसे सिंगल रखोगे कोई दूसरे किसी मतलब ऐसे कंट्रास्ट की चीज़ों के साथ तो ये अच्छा लगेगा डेफिनेटली लाइक टी लाइट होल्डर या कैंडल होल्डर के साथ आप इसको रखोगे तो थोड़ा एस्थेटिक लगेगा या फिर आप अपने पूजा रूम को सजाना चाहते हो उस त, उस जगह पे भी रख सकते हो पूजा टेबल होती है जो वहां पे रख सकते हो वहां पे भी बहुत एस्थेटिक लगेगा इसका प्राइस मुझे थोड़ा हायर लगा लाइक टू नाइनटी नाइन थ्री हंड्रेड का ये स्टिक्स मिल रहे हैं इससे अच्छा थ्री में आपको अच्छे से अच्छे ना फेक फ्लावर्स मिल जाएंगे या फिर लीव्स मिल जाएंगी तो आप उसको भी डेकोरेट कर सकते हो सो ये मुझे उतना वर्थ बाइंग नहीं लगा इसका कोई सस्ता वर्जन होगा तो मैं डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोग को लिंक उसका दे दूंगी इसका भी दे दूंगी लिंक अगर आप लोग को वर्थ बाइंग लगता है तो आप लोग परचेज कर सकते हो मुझे तो नहीं लगा सो गाइज नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक फ्लावर वेस की जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा लुक एट दिस ये काफ़ी अच्छा स्पेसियस एक वेस है फ्लावर वेस आप इसको आराम से परचेज कर सकते हो ये सत्यम क्रा क्राफ्ट करके ब्रांड है उसका है टू नाइन्टी नाइन रुपीज़ का है एंड ये प्लास्टिक मटेरियल का है लाइक फाइबर आ, का है मेरे लिए ये सबसे बेस्ट है इसका मतलब लाइट वेटेड है थोड़ा सा इसको आपको न, सेंटर मतलब क्या बोलते हैं इसको बेस देने के लिए इसमें कुछ आ, फिल करना पड़ेगा तभी ये अच्छे से बेस में आएगा एंड इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी 300 के हिसाब से साइज़ भी एकदम परफेक्ट है इसमें मैंने इस तरीके से फ्लावर स्टिक्स डाल रखे हैं जो कि अगेन मैंने अमेजोन से ही परचेज किए हैं उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे अंदर मैंने ऐसे रॉ मटीरियल्स सॉरी ऐसे रॉ मटीरियल्स जो आते हैं मेरे पार्सल के साथ वो सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी इसको थोड़ा सा बेस देने के लिए और अदरवाइज ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है इसमें आप आ, फेक प्लांट्स भर सकते हो या फिर फेक फ्लावर्स भर के इसको आराम से डेकोरेट कर सकते हो कई तरीके से एंड ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है इसमें आपको कई सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे लाइक पिंक ग्रीन ब्लू रेड बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे थ्री हंड्रेड रुपीज़ में आपको इससे बेस्ट आ, मुझे नहीं लगता कि वेस्ट मिल जाएगा और मेरे लिए सबसे परफेक्ट है क्योंकि मेरे घर में छोटे छोटा सा बच्चा है और सेमिक में मुझे डर लगता है कि वो कहीं गिरा दे लाइक like कुछ भी कहीं भी कहीं आजकल चलने भी लगी है तो चढ़ बढ़ जाए उसके बाद गिराने में बहुत डर लगता है ये वाला वास ये है ऐसा है कि ये गिरेगा तो टूटने का भी डर नहीं रहेगा तो मुझे ये वर्थ बाइंग लगा इसमें ना कई सारे डिजाइन भी आपको मिल जाएंगे लाइक डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट स्टाइल्स के भी मिल जाएंगे तो उन सारे के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इनकेस अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो बहुत ही अच्छा है नेक्स्ट जो डेकोरेटिव पीस है मेरे पास वो है फ्लावर स्टिक्स यार इतने ज्यादा महंगे मिलते हैं फ्लावर्स फेक फ्लावर्स इतने ज्यादा महंगे मिलते हैं कि मैं क्या ही बताऊं मैं ऐसे ना एमेज़ोन पे बस सर्च कर रही थी एंड मुझे ना ये वाले अच्छे लगे लाइक इनकी क्वालिटी इनका रिव्यू वगैरह सब कुछ मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये वेल आर्ट गैलरी करके है वहां से है वन नाइन्टी फाइव इंच स्टिक्स मिल जाएंगी आपको इसमें सारे में ना एक दो तीन चार पाँच छः सात सेवन या एट आई थिंक इसमें इस तरीके के स्टिक्स हैं पूरा बंच है और ये बहुत ही ज़्यादा तो सुंदर लगता है आप चाहो तो ऐसे सिंगल सिंगल किसी वास में डाल के आप रख सकते हो ऐसे आपके स्पेस को बहुत ही अच्छा सा लुक दे देगा कलर इसका कलर इसमें बहुत सारे कलर्स हैं वाइट है येलो है पिंक है मैंने मजेंटा पिंक कलर है ये वो परचेज़ किया था और एक ये ब्लू कलर है ये मैंने परचेज़ किया था ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये भी सेम ही है वन नाइनटी का आई थिंक वन नाइन्टी का है एंड इसकी क्वालिटी वगैरह मुझे वन नाइनटी के हिसाब से बहुत ही अच्छी लगी दूर से देखने में ना एकदम रियल ही लगते हैं एंड मैंने इनको वाइट वैश में रखा था ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं इनका लुक फील सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है सो तो ये डेफिनेटली आप लोग परचेज़ कर सकते हो अमेजोन से इसकी लिंक भी आपको डिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो so गाइज ये था मेरा आज का अमेजॉन होम डेकोर हॉल आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा आप इनमें से कोई ना कोई प्रोडक्ट्स तो आपको पसंद आए होंगे एंड नेक्स्ट मैं ढेर सारे हॉल वीडियो लेके आने वाली हूँ और मैंने पहले भी बता दिया है कि नेक्स्ट जो हॉल है वो पाकिस्तानी सूट्स हॉल होने वाला है सो स्टे ट्यून फॉर दैट यस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनसे उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाए नेक्स्ट मैं कौन सा हॉल वीडियो लेके आऊँ उसको आप लोग कमेंट कर देना मेरे कमेंट uh, सेक्शन में जिससे कि मेरे को हेल्प मिल जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए एंड यस yes, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले बाय टेक केयर